हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में जानकारी देने वाला हूं दोस्तों ट्रेविना फोर्स प्लस एनएफ क्रीम के बारे में, जो है मेरे पास दोस्तों 15 ग्राम की, जिसकी एमआरपी है दोस्तों 50 रुपए की। और दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल ड्रग्स है, जिसको यूज करने से पहले आपको चिकित्सक या फार्मासिस्ट या डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों शेड्यूल एच में आता है, तो आपको जानकारी पूरी लेनी चाहिए। दोस्तों, एक्सटर्नल यूज ओनली, आपको इसको इंटरनली कहीं पर भी यूज नहीं करना है। ये दोस्तों मैनकाइंड का आता है, दोस्तों डिस्कवरी मैनकाइंड का दूसरा डिवीजन है, जो एथिकल क्रीम है ये दोस्तों, और काफी ज्यादा पॉपुलर है, स्किन के लिए काफी अच्छी इसके रेट देखने को मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों, कंप्लीटली इसी के बारे में आपको रिव्यू देने वाला हूं, तो दोस्तों बने रहो इस वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से मेडिकल जानकारी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो आए, तो आपसे उसका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। जो दोस्तों ये आती है अंदर की तरफ, इस तरीके की इसमें पैकिंग होती है, काफी ज्यादा पॉपुलर है, आपको इजिली हर एक मेडिकल स्टोर में आराम से उपलब्ध हो जाती है। दोस्तों, इस क्रीम में आप कंपनी ने 3 कंटेंट इसमें डाले गए हैं। पहला जो आता है वो क्लोबेटासोल है, और जो एक एस्ट्रॉइड क्रीम है दोस्तों, जिसका यूज करना है दोस्तों, एक सूजन खुजली के लिए आदि को रोकने में काफी मदद करता है। दूसरा जो नेक्स्ट कंटेंट आता है वो है दोस्तों नियोमाइसिन सल्फाइड, जो दोस्तों एंटीबायोटिक है, जो इन्फेक्शन की ग्रोथ को रोकने में मदद करता है, यानी इन्फेक्शन को खत्म करने में भी साथ में देता है। तीसरा जो कंटेंट आता है वो है दोस्तों क्लोट्रिमेकाजोल, ये दोस्तों एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिसके बारे में काफी ज्यादा वीडियोज में आपको बता चुका हूँ। दोस्तों, ये क्रीम के यूजेज वगैरह है, फंगल इन्फेक्शन के लिए हो गया, स्किन के हर तरह के इन्फेक्शन में आप इसका यूज कर सकते हैं, हैफिक इन्फेक्शन हो गया, यीस्ट इन्फेक्शन हो गया, यानी योनि वगैरह में खुजली वगैरह हो रही है तो उसमें आप यूज कर सकते हैं, प्राइवेट पार्ट्स में फंगल वगैरह है, या रैसेस वगैरह आ गए हैं किसी वजह से, क्योंकि गर्मियों में काफी ज्यादा यूज करने वाली क्रीम है। दांत खाज खुजली फोड़े फुंसी में हो गया आपका, जांघों में किसी तरीके के प्राइवेट पार्ट्स में खाज खुजली है, फंगल है, तो उसमें आप इजिली यूज कर सकते हैं, स्किन रैसेस है, सूजन वगैरह है, एक्जिमा हो गया, लाइकन प्लेनस हो गया सोरायसिस के लिए, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, स्किन इन्फेक्शन हो गया, फंगल के हर तरह के इन्फेक्शन के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, ये एस्ट्रॉइड क्रीम है, अगर आपका हल्का फुल्का है स्किन, फंगल है या खुजली है, तभी जाके इसका यूज़ करें, लेकिन अगर आपका फंगल बहुत ज़्यादा है, फंगल इन्फेक्शन है आपको, तो फिर आपको एंटी फंगल क्रीम ही प्लेन फिलिंग का काफ़ी ज़्यादा बता रखी है मैंने, टर्बिना फोर्स हो गया, लुलिकोनाजोल हो गया, किटोकोनाजोल हो गया, तो इस नाम से आपको कहीं पर भी अवेलेबल हो जाती है, एथिकल ब्रांड के भी मिल जाती है दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा क्रीम अच्छी है। दोस्तों, ये भी क्रीम अच्छी है, लेकिन अगर आपके हल्के फुल्के खाज खुजली वगैरह, हल्के फुल्के फंगल है, तो नॉर्मली स्टार्टिंग है, तो आपको जल्दी से ख़त्म करने में भी मदद कर देगा। साइड इफेक्ट दोस्तों जो होते ही हैं स्किन के, जैसे जलन महसूस होना है, ड्राई स्किन हो जाती है, रेडनेस वगैरह आ जाती है स्किन में, खुजली वगैरह होने शुरू हो जाती है स्किन में, हेडेक वगैरह भी हो सकता है, स्किन रैसेस हो जाता है, स्किन का पतला होना, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो ये किन, क्योंकि इसमें क्लोबेटासोल आता है, तो ये एस्ट्रॉइड है, जिसकी वजह से आपको ये साइड इफेक्ट देखने को जरूर मिलेगा, चखते वगैरह भी हो सकते हैं स्किन में, अगर आपको सही से यूज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको सूट वगैरह नहीं हो रही, तो आपको जब भी यूज़ करना है, तो एक बार डॉक्टर से जानकारी जरूर लीजिएगा, या फिर आप फार्मासिस्ट से कंसल्ट भी कर सकते हैं। आप इसको दिन में 1 से 2 बार इसको यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपके फंगल या इन्फेक्शन पे भी डिपेंड करता है। दोस्तों, कई लोग मुझे पूछते हैं फेस वगैरह पे कर सकते हैं यूज, या ऐसी जगह यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आपके फंगल पे डिपेंड करता है, कब से आपको फंगल है, कैसा फंगल है, कैसे खुजली है, या फिर एलर्जी है, तो इस हिसाब से क्रीम के बारे में आपको बताया जा सकता है। गाइस, आप मुझे फेसबुक या ट्विटर पे मैसेज वगैरह भी अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, और कुछ भी क्वेश्चन वगैरह है तो आप मुझे वहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही है ट्रेविना फोर्स प्लस एनएफ क्रीम के बारे में, जो काफी ज्यादा अच्छी क्रीम है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, बाय, टाटा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।